फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं विजय सागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। कमाल कर दिया इस छोटे से पेनी स्टॉक में, लगातार अपर सर्किट पर अपर सर्किट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। देखिए इसके बारे में जो संता रैली आई है, जो इस स्टॉक में शानदार तेजी आई है, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। उसके पहले थोड़ी सी जानकारी हम लोग इस स्टॉक के बारे में लेते हैं, ताकि जो नए व्यक्ति इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें इसके बारे में प्रॉपर जानकारी हो। देखिए विजय सागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से स्पष्ट है कि फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है तथा फाइनेंस के सेक्टर में सर्विस देती है। कौन सी सर्विसेज देती है तो देखेंगे तो ये एक NBFC कंपनी है। NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो बैंक की तरह ही काम करती हैं, उसको NBFC कहते हैं। और साथ में ये सिर्फ लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं कराती, लोन तो देती ही है और उससे जो इंटरेस्ट मिलता है उससे इसकी कमाई होती है, लेकिन इसके अलावा एक कंपनी इन्वेस्टमेंट का काम भी करती है, अलग अलग जगहों पर पैसे लगाती है और उससे अपना कमाई करती है। तो ये तो कंपनी के काम की बात हो गई। मार्केट कैप कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पेनी स्टॉक है तो समझ सकते हैं। तकरीबन सिर्फ 14 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है। बेहद कम वैल्यूएशन इस कंपनी का। कम वैल्यूएशन करने का मतलब ये भी है कि छोटी कंपनी है तो आसानी से इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि पेनी स्टॉक में आपको पता है कि पंप एंड डंप का खेला चलता रहता है। तो ये सब सावधानी आपको बरतनी होंगी इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब देखिए अभी यदि शेयर प्राइस की बात करें तो वर्तमान में शेयर प्राइस 1.42 रुपये के आसपास चल रहा है, और आप देख सकते हैं शानदार तेजी इसमें तकरीबन 5% के आसपास आज के दिन इसमें तेजी देखने को मिली है। ये सिर्फ एक दिन में 5% का रिटर्न दे रहा है इन दिनों, क्योंकि अभी अपर सर्किट में चल रहा है। पिछले 6 माह में देखें तो पिछले 6 माह में स्टॉक तकरीबन 60% चढ़ा है, 60% पिछले 6 माह में, और पिछले 1 माह में देखेंगे तो तकरीबन 73% का शानदार रिटर्न निकल कर दिया है। आसान भाषा में आपको बताएं तो तकरीबन 1 माह पहले इस स्टॉक में यदि आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो तकरीबन अभी तक 1,73,000 रुपये बन चुके होते हैं। अब आप कहेंगे कि 1 महीना पहले कौन जानता था कि इसमें इतनी तेज़ी आ जाएगी, तो चलिए 1 सप्ताह पहले की बात करते हैं। 1 सप्ताह पहले इस स्टॉक ने तकरीबन 20% का, 1 सप्ताह में टोटल 1 सप्ताह में 20% का शानदार रिटर्न निकल कर दिया है। यानी कि 1 सप्ताह पहले भी यदि कोई व्यक्ति इसमें 1 लाख रुपये लगा दिया होता तो तकरीबन 1,20,000 रुपये बन गए होते हैं। और अभी तो अपर सर्किट में चल रहा है तो अभी आप इस स्टॉक को बाई नहीं कर सकते हैं। यदि अभी बाई करना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना होगा अपर सर्किट से हटने के लिए। दिसंबर के पहले तक इस स्टॉक का प्राइस 500 में हुआ करता था, तकरीबन 70 पैसा 69 पैसा इसी करीब इस स्टॉक का प्राइस चल रहा था। हालांकि इस साल पिछले साल जनवरी 2022 में इसने तकरीबन 3.5 रुपये का अपना हाई बनाया था, जो इसका 52वीं का हाई है। लेकिन वहाँ से हाई बनाने के बाद लगातार इसका प्राइस नीचे गया और 3.5 रुपये से प्राइस कम होकर 500 में आ गया था तकरीबन, और जैसे मैंने बताया 69 पैसा 70 पैसे के आस, इतना कम इसका प्राइस हो गया था। तो जो लोग ऊपरी लेवल बाई किए थे फंस गए थे, और फंस गए थे तो उनको तनाव हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत से लोग बेच कर चले भी गए होंगे। लेकिन कुछ लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, क्योंकि कुछ पुराने खिलाड़ी हैं जिनको पता है कि अभी जो मौसम चल रहा है, यानी कि जो दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक का महीना होता है, इसको स्टॉक मार्केट में कहते हैं संता रैली। माना जाता है कि इस दिनों में बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी आती है, और जो बाज़ार में तेज़ी आती है तो बड़े स्टॉक के साथ साथ जो छोटे स्टॉक होते हैं उनके शेयर प्राइस में भी तेज़ी आती है। तो कुछ लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके शेयर प्राइस में अब मूवमेंट आएगा। तो जब इसका प्राइस कम हुआ था 60-70 पैसे के आसपास, कुछ लोगों ने बाय किया होगा और वो अभी मज़े में होंगे। देखिए जो लोग मज़े में हैं उनको मैं कहना चाहूँगा आप स्टॉप लॉस लगा कर चलिए, क्योंकि इसमें कभी भी लोअर सर्किट लग सकता है। और आपको पता है जब अपर सर्किट लगता है तो आप बाय नहीं कर सकते, और जब लोअर सर्किट लगता है तो आप बेच नहीं सकते। तो जिनके पास अभी ये शेयर है वो लोअर स्टॉप लॉस लगा कर चलेंगे, ताकि लोअर सर्किट लगे तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। और जो अभी बाय करना चाहते हैं, जिन्हें स्टॉक अभी मिल नहीं रहा है, उन्हें तो अभी इंतजार ही करना होगा। अब आप पूछ सकते हैं कि यदि कोई नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो क्या उसे बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए यदि ये डिपेंड करता है आप कितने समय के लिए इसको बाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी तेज़ी का मौसम है, थोड़े समय के लिए पैसा लगाकर आप रिटर्न पाना चाहते हैं तो इसको फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन लंबी अवधि के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब तो आपको ओवरऑल फंडामेंटल देखना होगा। फंडामेंटल के बारे में देखिए बात करें तो कुछ खास इसका फंडामेंटल खराब नहीं है। सेल्स कंपनी के पिछले कई क्वार्टर्स लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये कंपनी का जो मैनेजमेंट है पैसों को संभाल कर नहीं रख पा रहा है। सेल्स बढ़ रहा है, उसके साथ साथ कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। खर्चे कमाई से अधिक हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये कंपनी अभी लॉस में चल रही है। तकरीबन 3 करोड़ के आसपास इस कंपनी का लॉस है। और देखेंगे तो अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर कर्जा नहीं है, डेब्ट फ्री कंपनी है, और इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी थोड़ी कम है, तकरीबन 5-5.5% के आसपास जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स थोड़े ज़्यादा होते तो भरोसा थोड़ा ज़्यादा होता है इस स्टॉक के प्रति। इसलिए लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन यदि शॉर्ट टर्म में पैसे लगाकर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म में पैसे लगाकर थोड़ा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो विजय सागर फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में जो जानकारी मैंने बताई, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अपडेट पसंद आया होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसे कमेंट में जरूर पूछिए। यदि चाहते हैं आप उससे जुड़कर बातें करने के लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यदि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास बेस्ट डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एंजल उनके साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।